इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है सॉल्व करते हैं चैप्टर वन है रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास ट्वेल्थ मैथ्स एन तो क्वेश्चन नंबर 11 इसको सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप शो देट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन ओके ओके रिलेशन आर इन द सेट ए यानी ए टू ए डिफेंड है कार्टिशन क्या आएगा ए टू ए आएगा सेट ए क्या गिवन है सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन कौन सा प्लेन है एक्स वाई प्लेन है समझो एक्स वाई प्लेन है समझो ओके 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 ठीक है रिलेशन गिवन है पी कॉमा क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन ओके 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 मान के चलो ये एक्स वाई प्लेन है ठीक है यहाँ पे ओरिजिन है ओरिजिन को ओ बोलो क्या होते हैं ओरिजिन पे पॉइंट जीरो क्रमा जीरो होते है, एक point है, P है. ओरिजिन uh, से पी पॉइंट सेम है uh, फिर क्या है ओरिजिन से पॉइंट क्यू सेम है अब uh, वो क्यू इधर है इधर है इधर है इधर भी लो अब मानिए चलो मैं इधर ले लो समझो इधर ले लो समझो तो ये क्यू अगर ये थ्री सेंटीमीटर है तो ये भी थ्री है अगर ये फाइव है तो ये भी फाइव uh, है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से पी तट का ओरिजिन से क्यू तक क्यू तक का डिस्टेंस सेम है मीन्स मैं बोल सकता हूँ ओ पी इक्वल है ओ क्यू की अरे राइट हाँ ये रिलेशन बता रहा है ओके 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 इज इक्वी बैलेंस रिलेशन क्या इक्वी बैलेंस है पूछ रहा है इक्वी बैलेंस होता बता ये रिफ्लेक्सिव भी रहना सेमेट्रिक भी रहना ट्रांजिटिव भी रहना ओके फर्दर क्वेश्चन का और एक पार्ट है पहले हम इसको इक्वी बैलेंस प्रूफ करेंगे ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया सो थोड़ा डिस्कस करना है हमें ओके एज क्या है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन यहाँ पे बताया हमें कोई एक्स वाई प्लेन है उस पे उसका सेट है समझो ए टू ए डिफेंड है यहां पे ओके ओ ओरिजिन लिया हूं मैं ओरिजिन पे क्या है पॉइंट जीरो जीरो रहते हैं इज ओरिजिन लेट ओ इज ओरिजिन जिसपे पॉइंट जीरो जीरो रहते हैं रिलेशन क्या है पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन इस बात को ऐसे में बताया था मैं ओरिजिन से पी तक का ओरिजिन से क्यू तक का डिस्टेंस सेम है इसको हम ये फॉर्म से लिखे हम रिलेशन को क्वेश्चन को ये फॉर्म में बने हम शॉर्ट में ओके 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 इसे इक्विवेलेंस बताना है इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है रिफ्लेक्सिव देखो यहाँ पे लेट पी बिलोंग्स टू ए जो पॉइंट पी है वो ए से ए में बिलोंग्स कर रहा है समझो मैं बोल सकता हूँ पी या पीओ एक ही बात हुई पीओ बोलो या -P, -P बोलो एक ही बात हुई मीन्स यहाँ पे ना P, P कंडीशन क्या होती है सेम रहना डबलेट रहना हर एक के डबलेट रहना हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव होता है लिखने का मेथड तो ये इसमें ज्यादा दिमाग खराब कर लेना नहीं है ए सेट गिवन है क्या है सेट ऑफ पॉइंट इन प्लेन प्लेन कौन सा है एक्स वाई प्लेन है हमारा ठीक है ठीक है ओरिजिन से ओरिजिन से एक पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस जो है सेम है ओरिजिन से और एक पॉइंट मान के चलो वो क्यू है नेम मैंशन है वो क्यू है वो पी है वो ठीक है इसको हम रिलेशन यहाँ पे इस फॉर्म में देखे थे ये और ये सेम था तो हम यहाँ पे ये बताएं ओ पी बोलो या पीओ पी ओ बोलो बात तो एक ही छोटी मीन्स पी क्वा पी बिलोंग्स टू आर हेन्स आर इस रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव है ओके ओके सेमेट्रिक सेमेट्रिक कब होता बोलो आप उसका रिवर्स रहना ए बी है तो उसका रिवर्स बी ए रहना अरे राइट ना टू थ्री है तो थ्री टू होना किसके लिए सेमेट्रिक के लिए ठीक है पी क्वामा क्यू सेट ए में है ओके ओके पी क्यू बिलोंग्स टू आर इसके मीनिंग क्या होते हैं इक्वल है ओपी इक्वल टू ओ क्यू ओपी इक्वल टू ओ ओ क्यू तो मैं इसको इस बात को ऐसे भी बोल सकता मैं ओ क्यू इक्वल टू ओपी भी बोल सकता मैं क्यू बिलोंग्स टू आर हेन्स आर सिमेट्रिक अरे बात समझ में नहीं. देखो ये एक्स वाई प्लेन है यहाँ पे P है समझो यहाँ पे Q है समझो ये ओरिजिन है ओ पी इक्वल है ओ क्यू के अकॉर्डिंग टू रिलेशन ओके ओके ओ पी इक्वल है ओ क्यू के ओ पी इक्वल है ओ क्यू के मैं इस बात पर ऐसे भी बोल सकता ओ की ओ क्यू इक्वल है ओपी के मीन्स क्यू कम पी बिलोंग्स टू आर हेंस आर इज सिमेट्रिक ये सेमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव से भी हुआ सिमेट्रिक भी हुआ अब ट्रांजिटिव देखेंगे हम अरे वो तब होता आपने को मालूम है ए बी है एंड बी सी है तब ए और सी आपस में पेर बनाना तब ए और सी आपस में पेयर बनाना ट्रांजिटिव होता है राइट 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 तो यहाँ पे ना तीन पॉइंट्स लेना लेट पी क्यू एस लिया मैं आर ने लिया क्यों आर से कंफ्यूज होता रिलेशन बोल के लेट पी क्यू एस बिलोंग्स टू आर ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है uh, देखो अब यहाँ पे पी कॉमा क्यू एंड क्यू कॉमा एस जो रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है हाँ ठीक है इसकी मीनिंग क्या होते पी क्यू इसकी मीनिंग क्या होते ओ पी इक्वल है ओ क्यू के ओ क्यू ओके ठीक है ठीक है ओपी इक्वल है ओ क्यू के एंड इसकी मीनिंग क्या होते क्यू एस है ओ क्यू इक्वल है ओ एस के तो मैं बोल सकता हूं पी एस बी इक्वल है मीनस ओ पी ओ एस बी इक्वल है पीकोमा एस की मीनिंग क्या होते ओ पी इक्वल है ओ एस के हैंस आरिस ट्रांजेटिव देखो आप यहाँ पे पी क्यू एंड क्यू एस रिलेशन में हैं। इसके है इसके मीनिंग ओ पी इक्वल है ओ क्यू के एंड क्यू टमा एस है ओ क्यू इक्वल है ओ एस के ओके 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 तो मैं बोल सकता हूँ ये ओ पी ये ओ एस मीनस पी टमा एस भी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है देरफोर आर एस ट्रांजेटिव यानी ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ सीमेट्रिक भी हुआ ट्रांजेटिव uh, भी हुआ हैंस आर इज एन इक्वी बैलेंस रिलेशन ज्यादा दिमाग खराब कर लेना इसमें नहीं है हमारे को उन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था सेट uh, क्या था ए हमारा पॉइंट्स इन प्लेन ओके ओके पी क्यू था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन इस बात को तो हम यहाँ पे आपको बताए हैं ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू तक का डिस्टेंस सेम था इसको हम रिफ्लेक्सिव भी बताए हैं सीमेट्रिक uh, भी बताएं ट्रांजिटिव uh, भी बताएं क्वेश्चन का और एक पार्ट यहाँ पे गिवन है है, क्या देखिए आप। यानी जो है 00 point नहीं रहना चाहिए origin पे नहीं रहना चाहिए। इज द सर्कल पासिंग थ्रो पी ओरिजिन एज सेंटर इस बात को देखो क्या बोल बोरा होनी फर्दर शो दे रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू जीरो जीरो पी जो पॉइंट है जीरो जीरो नहीं इज सर्कल पासिंग थ्रो इज द सर्कल सर्कल पासिंग थ्रो पी विथ ओरिजिन एस सेंटर ओके 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 इस बात को थोड़ा अपन को ना समझना है प्रैक्टिकली हालांकि हा, मैं उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया हूं नाउ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू जीरो जीरो देखो आप देखो आप देखो, देखो। एक्स वाई प्लेन क्या लिए थे सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन एक्स वाई प्लेन ले लो समझो मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बनाया मैं ये ओरिजिन है मेरा ये ओरिजिन पे क्या है दोनों भी जीरो होते एक्स भी जीरो होता वाई भी जीरो होता ओके 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 ओरिजिन से एक पॉइंट लिया मैं पी लिया ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस सेम है ठीक है आ, फिर और, और एक पॉइंट लिया मैं ओरिजिन से उसका नाम क्या बोला मैं क्यू बोला समझो ओरिजिन ओरिजिन से क्यू सेम है मान मानिए चलो और एक पॉइंट लिया मैं उसका नाम रखा यस लिया समझो ओरिजिन से यस बराबर है ठीक है और एक मान के चलो मैं और एक पॉइंट लिया मान के चलो वो टी लिया ओरिजिन से टी तक का डिस्टेंस है ये सारे पॉइंट ये जो रेडियस है ये जो पॉइंट है सेम लिया हूं मैं सेम लिया हूं मैं अरे क्या सर्कल फॉर्म होता अरे क्या सर्कल फार्म होता यस yes, सर्कल फार्म होता यस yes, सर्कल फार्म होता यही बात यहाँ पे बताई गई थी हम लिखे उसको सेट ऑफ पॉइंट फॉर्म अ सर्कल सर्कल को ऐसे लिखते शॉर्ट में विद द सेंटर इज द ओरिजिन एंड दिस सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट पी 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 अब हम यहाँ पर बताएँ हम आपको एक्स वाई प्लेन है एक पॉइंट पी इधर है ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है और एक पॉइंट इधर है ओरिजिन से उसका सेम है और एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है ओरिजिन से फिक्स है पॉइंट तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल फॉर्म हो रहा है लिखने का मेथड एकदम शॉर्ट में बताएं हम नो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू जीरो सेट ऑफ पॉइंट फॉर्म सर्कल विद द सेंटर इज दस ओरिजिन एंड दिस सर्कल पास थ्रो पॉइंट पी ज़्यादा इसमें दिमाग ख़राब कर लेना नहीं है सेट ए गिवन था ये रिलेशन गिवन था रिफ्लेक्सिव भी बताए हम सीमेट्रिक बताए ट्रांजिटिव भी बताए हम पी से यानी ओरिजिन से जो पॉइंट था पी हमारा एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट हम उसको देखिए हम अगर फिक्स ए, ए, सेम अगर डिस्टेंस लेने के बाद तो एक सर्कल फॉर्म हो रहा था वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो क्वेश्चन नंबर टूवेल्व जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन देखिए आप शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज रिलेशन गिवन है टी वन टी टू टी वन इज सिमिलर टू टी टू इज इक्वी बैलेंस रिलेशन अब इक्वी बैलेंस कब होता है आपने को मालूम वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना सिमेट्रिक भी होना ट्रांसिव uh, भी होना थोड़ा क्वेश्चन को देखिए आप शो देट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट सेट ए गिवन है है पे यानी टू समझो रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है यहाँ पे रिलेशन क्या होता है सबसेट होता है किसका अरे कार्टेशियन का ए uh, क्या गिवन है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है रिलेशन है यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है वन जो है सिमिलर uh, है कहते किसके टी टू के ओके 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 टी वन इज सिमिलर टू टी टू इक्वी बैलेंस बताना है क्वेश्चन का और एक पार्ट है यहाँ पे पहले इक्वी बैलेंस बताएंगे हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन लिखा हुआ हूं मैं आंसर भी है यहाँ पे ए क्या था सेट सेट ऑफ ऑल ट्रैंगल्स ऑल ट्राइंगल्स ओके रिफ्लेक्सिव बताना है अब रिफ्लेक्सिव कब होता सेम रहना डबल फार्म रहना एक फॉर्मा इस वाले फार्म रहना हर एक के हाँ रिलेशन क्या गिवन है टी वन टी टू टी वन इज सिमिलर टू टी टू कहते इस बात को ना शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हम इस बात को शॉर्ट में आ, टी वन जो है सिमिलर है सिमिलर सिम्बॉल है टी टू ऐसे भी लिख सकते है एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इट सेल्फ हर ट्राइंगल जो है अपना तो सिमिलर होता है तो इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं हम देर फोर आर इज रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिव ओके सेमेट्रिक सेमेट्रिक कब होता ए बी है तो रिवर्स बी ए रहना अरे right, राइट ना वन टू है तो टू वन होना सिमेट्रिक के लिए अब यहाँ पे देखो टी वन टी टू टी वन इज सिमिलर टू टी टू इस बात को जो है शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ टी वन सिमिलर है किसकी है टी टू के तो मैं बोल सकता हूँ टी टू इज सिमिलर टू टी वन अरे राइट ना टी वन आ, सिमिलर है टी टू के इस बात को ऐसे भी बोला जाएगा ना टी टू सिमिलर है टी वन के मीन्स ये सिमेट्रिक अरे हुआ लिखने का मेथड ये है इफ टी वन टी टू देन टी वन इज सिमिलर टू टी टू टी टू इज सिमिलर टू टी वन टी टू क्वा टी वन बिलोंग टू आर टी वन टी टू रिलेशन में रिवर्स है आपने को मालूम कब होता ए क्वा बी है एंड बी क्वा सी है तब ए और सी पेर बनाना मान जी चलो टी वन टी टू सिमिलर है समझो एंड टी टू टी थ्री भी सिमिलर है समझो तो टी वन टी थ्री देखते हैं हम टी वन टी थ्री देखते हैं हम अगर वो भी सिमिलर रहा तो ट्रांजिटिव हुआ ये अरे ये ट्रांजिटिव भी होता लिखो है यहाँ पे लिखी हम ट्रांजिटिव तो तो क्या है न लेट टी वन टी टू टी टू टी थ्री बिलोंग टू आर इसकी मीनिंग क्या होती है टी वन इज सिमिलर टू टी टू एंड टी टू इज सिमिलर टू टी थ्री तो यहां से ये अंदाजा आएगा टी वन टी थ्री भी सिमिलर है T1 is also similar to T3. T1, T2, T3 belongs to R. Therefore, R is a uh, transitive. यार बात समझ में आई नहीं। यहाँ पे जब भी देखें हम T1, आ, T2 अगर similar है and T2, T3 similar है, तो यहाँ से ये यह बात आती कि T1, आ, T3 भी similar है. Hence आर इज एन इक्वी बैलेंस रिलेशन ये जो रिलेशन था मेरा टी वन टी टू टी वन इज सिमिलर टू टी टू ये क्या है रिफ्लेक्स भी है ट्रांसिटिव भी है मीन्स ये एक बैलेंस रिलेशन हुआ बहुत सिंपल वे से हम आंसर यहाँ पे लिखे इसे नोट करो आप क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखना है अपने को यहाँ पे देखिए कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स टी वन विद साइड

ये ट्वेल्व लियो ये थर्टीन लियो इन जनरल लेरो में राइट हाइपोटनस सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो मैं थर्टिन ये हाइपोटनस हुआ राइट एंगल ये नाइनटी डिग्री इधर है तो ये हाइपोटनस हुआ ये हुआ और टी थ्री है टी थ्री है टी थ्री इधर लेरो में देखो आप इधर लेरो में क्या है वो सिक्स एट टेन है ये सिक्स समझो ये एट समझो हाइपोटनेस तो टेन सबसे ज्यादा हो रहा होगा ठीक है यहाँ पे देखो कैरस्पोंडिंग थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स टी वन इतना था टी टू इतना है टी थ्री इतना है यहाँ पे बनाया मैं टी वन टी टू टी टी थ्री विच ट्रगल अमोंग टी वन टी टू एंड टी थ्री आर रिलेटेड अरे कोई ट्रेंगल सिमिलर कैसा होता है कैरस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशो में होना ओके 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 यहाँ पे देखो क्या टी वन टी थ्री हो रहा क्या टी वन टी टू हो रहा नहीं हो रहा थ्री फाइव नहीं जमता नहीं जमता नहीं जमता ये नहीं होता क्या टी वन टी थ्री हो रहा अरे हो रहा देखो आप यहाँ पे यहाँ पे थ्री है यहाँ पे सिक्स है थ्री बाई स इसके बाद देखिए आप यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे कितना है टेन है फाइव बाई टेन इसको कैंसिल करो थ्री यानी वन बाई टू हुआ फोर बाई एट ये भी जीता हो वन बाई टू हुआ फाइव बाई टेन ये भी जीता हो by वन बाई टू हुआ मीन्स ये वन बाई टू हुआ टी वन एंड टीतरी आपस में रिलेटेड है इस बात को हम जो है ये वैसे लिखे यहाँ पे देखिए नाउ वी कैन ऑब्जर्व दब्जर्व करें हम थ्री बाय सिक्स यहाँ पे बताए थ्री बाई सिक्स फोर बाई एट फाइव बाई टेन मींसर कितना तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ट्राइंगल टी वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी थ्री हेन्स टी वन इज रिलेटेड टू टी थ्री बहुत सिंपल वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो